पेपर लीक प्रकरण को लेकर बीएल सोनी का गहलोत पर निशाना, कहा पांच साल में लगभग सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। चयन बोर्ड और आरपीएससी के सदस्य अफसर तक पकड़े गए। 18 लाख रुपए की घूस लेते पकड़े गए राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त एक व्यक्ति भी। फोन में ओएमआर सीट तक मिली है। दरअसल जो शीट होती है वो फोन में मिली है, लेकिन जांच को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। गृह विभाग खुद के पास होने के बावजूद पेपर लीक पर मीटिंग नहीं करते थे। वे अपनी ही पार्टी के एक नेता व केंद्रीय मंत्री को उलझाने की योजना में लगे रहते थे। बोर्ड और आयोग में ऐसे अधिकारियों को लगा दिया जिससे प्रदेश शर्मसार हुआ है। अब एसओजी अच्छा काम कर रही है। मुख्यमंत्री बजलाल ने टीम को बुलाया है, उनको सख्त कार्रवाई के लिए पूरे संसाधन मुहैया का भरोसा दिलाया है। वहीं एसओजी से प्रभावी कार्रवाई से हताश युवाओं में आशा की किरण जगी है। जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन अब एसओजी जिस तरीके से प्रभावी कार्रवाई कर रही है उसमें युवाओं में आशा की किरण जगी है कि अब उनके साथ न्याय होगा। लेकिन ये बड़ा आरोप लगा दिया गया है पेपर लीक प्रकरण को लेकर बीएल सोनी का। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, निशाना साधा, कहा कि पांच साल में लगभग सभी परीक्षाओं के पेपर लीक ही हुए हैं और चयन बोर्ड और आरपीएससी के सदस्य अफसर तक पकड़े गए हैं। 18 लाख रुपए की घूस लेते पकड़े गए हैं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त एक व्यक्ति भी। वहीं फोन में ओएमआर शीट तक मिल जाती थी, लेकिन जांच को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। ये बड़ा आरोप लगाया गया है। गृह विभाग खुद के पास होने के बावजूद पेपर लीक पर मीटिंग नहीं की जाती थी, क्योंकि वो अपने ही पार्टी के एक नेता व केंद्रीय मंत्री को उलझाने की योजना में लगे रहते थे। आगे बीएल सोनी ने कहा कि बोर्ड और आयोग में ऐसे अधिकारियों को लगा दिया जिससे प्रदेश शर्मसार हुआ है। वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। बड़ा आरोप लगा दिया है ऐश्वर्य बीएल सोनी ने पूर्व मुख्यमंत्री पर, तो क्या आगे किस तरीके की प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा सकती है गहलोत की तरफ से, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी बातें उन्होंने कही है, जरा विस्तार से बताइएगा एक बार फिर से। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दो चीजें हैं जी। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए एक झटका माना जा सकता है। वो इसलिए झटका माना जा सकता है कि इससे पहले लोकेश शर्मा की जो बयानबाजी थी वो किसी से छुपी नहीं थी। उसके बाद अब इस तरीके से यूं बीएल सोनी का आना और बीएल सोनी का आकर खुलेआम इस तरीके से बोलना, और बोलना ही नहीं, पूरा की पूरा ऑडियो तैयार करके और उसमें सारी चीजें कह देना, जिन चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी, जिन चीजों को लेकर कांग्रेस को घेरती रही थी। तो अमूमन ये होता है कि राजनीतिक व्यक्तित्व यदि इस तरीके की बातें करता है तो समझ में आता है, लेकिन पूर्व डीजी यदि इस तरीके की बात कर रहे हैं तो ये जो बात है ये अपने आप में एक लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी संकेत है। तो यहाँ दो बड़े सवाल हैं कि एक, जो एसीबी की पूरी कमान संभाले रहे थे मुख्यमंत्री उस वक्त अशोक गहलोत थे, तो उनके बेहद करीबी थे। करीबी कहा जाए तो कोई ब्यूरोक्रेट करीबी नहीं होता है, लेकिन फेवरेट होते हैं। कोई ना कोई लीडर अपनी टीम में किसी ना किसी अधिकारी को लेते ही हैं। तो अमूमन ये कहा जाता रहा कि ये डीजी बनेंगे, डीजीपी बनेंगे, लेकिन डीजीपी नहीं बन पाए। उस वक्त डीजीपी का मौका किसी और को मिला, फिर इनको एसीबी की कमान दी और एसीबी में भी कई बड़े बड़े, कहा जाए तो एक अमूमन आम भाषा में, भ्रष्टाचार के मगरमच्छों को इन्होंने पकड़ा एमएन दिनेश के साथ। और मुख्यमंत्री उस वक्त जब गहलोत थे तो इनकी तारीफ करते नजर आते थे। तो अब ऐसे में बीएल सोनी का ये वक्तव्य देना ये कई तरीके के सवाल खड़े करता है। तो क्या आगामी दिनों में, और इसके अलावा एक और बड़ी बात, एक एक करके जो पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी थे वो भाजपा में आते जा रहे हैं। हालांकि दो दिन पहले दो ब्राह्मण नेताओं की बातें भी चली, वो अलग बात थी, लेकिन इससे पहले लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, ऐश्वर्या आपने बहुत गंभीर बात कही है, इसका जवाब हम आगे भी लेंगे, लेकिन वो ऑडियो जरा दर्शकों को सुना देते हैं। ये सुनिए जरा किस तरीके से कहा गया बीएल सोनी द्वारा। राजस्थान में पेपर लीक और भर्ती में हो रहे विभिन्न घोटालों से जो प्रभावित युवा हैं, लाखों युवा जो बहुत हताश थे, निराश थे, उनमें हाल ही में राजस्थान एसओजी द्वारा की गई प्रभावी कार्रवाई से एक आशा की किरण जगी है। और एक बहुत अच्छी बात आज देखने को मिली है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरी एसओजी की टीम को बुलाया, पूरी जानकारी ली उनसे और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए बोला और उनको सारे साधन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया।
और एक बहुत सुंदर बात उन्होंने कही कि जब भी एसओजी की टीम थके, देर रात में थकावा महसूस करे, तो उनको उन पीड़ित युवाओं के चेहरे याद आने चाहिए जो कि इन घोटालों में प्रभावित हुए हैं। ये बहुत मोटिवेशन की बात है और इससे एक बहुत अच्छा मैसेज सारी टीम के अंदर जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पिछले 5 सालों में पिछली सरकार में करीब करीब सारे पेपर लीक हुए, विभिन्न बोर्डों में और लोक सेवा आयोग के सदस्य और उनके अधिकारी बार बार पकड़े गए, लेकिन उन इन्वेस्टिगेशंस को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति 18 लाख रुपए की रिश्वतखोरी में पकड़ा गया, जिसके मोबाइल में सदस्यों से हो रही चैटिंग, जो संदिग्ध चैटिंग जिससे कि भर्ती में घपले का एक सुराग मिल सकता था, वो मिला। और तो और उसकी मोबाइल में ओएमआर सीट तक मिली, लेकिन उन इन्वेस्टिगेशंस को आगे नहीं होने दिया। उस समय या तो मीटिंग होती नहीं थी, गृहमंत्री का चार्ज मुख्यमंत्री जी के पास था, और ना तो ज़्यादातर उनका समय नहीं मिलता था तो वो मीटिंग करते नहीं थे, और अगर मीटिंग होती थी तो उसके अंदर उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और एक केंद्रीय मंत्री महोदय को किसी फालतू मामले में उलझाने के लिए ही ज़्यादातर सारी योजनाएं बनती रहती थी। कभी कोई सीरियस बात नहीं हुई कि किस तरह से हम युवाओं के साथ हो रहे कुठाराघात को रोक सकते हैं। 5 वर्ष में कानून व्यवस्था, पेपर लीक, युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर कभी मुख्यमंत्री महोदय ने चर्चा में भाग नहीं लिया। वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऐश्वर्य, हम जिस पर चर्चा कर रहे थे, जिस ऑडियो की, वो हम दर्शकों को भी सुना रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हलचल जो पहले से चल रही थी पेपर लीक मुद्दे की वो तेज नहीं होगी, बल्कि और सारी अंदर की बातें निकल कर आएंगी इसके बाद। लेकिन जो आप कह रहे थे, जो करीबी थे, चाहे हम लोकेश शर्मा का जिक्र करें या फिर अन्य नेताओं का जिक्र करें या फिर अब बीएल सोनी का जिक्र करें, वजह क्या लगती है, वो भी ठीक चुनावों से पहले इस तरीके का ऑडियो निकलना? देखिए, बीएल सोनी से मैं थोड़े दिन पहले मिला था, एक विवाह समारोह था, सूरज सोनी करके भाजपा नेता है, उनके यहाँ पर वो आए थे, परिवार आए थे, तब उनसे बातचीत चल रही थी, तो तब भी उनकी व्यथा कुछ इस तरीके से नजर आई थी। तब मैंने सोचा भी था कि बीएल सोनी शायद अमूमन बोल देते हैं, एक परिवार के लोग होते हैं, तो ऐसा लगा था कि ठीक है, नॉर्मल सी चीजें हैं, कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। लेकिन ऑन रिकॉर्ड बीएल सोनी का उसी तरीके की चीजों को और बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ करना और एक एक चीज को, तो मुझे लगता है कि पहले बीएल सोनी ने इस बात को लेकर स्क्रिप्टिंग तैयार की। बीएल सोनी के खुद के भी सोर्स हैं, पुलिस में रहे हैं, तो जिस दिन शायद मुख्यमंत्री से मिले उनके एसओजी टीम के लोग, तो उस दिन उन्होंने बताया होगा कि मुख्यमंत्री ये सब कुछ बोले हैं, तो उसके बाद इन्होंने स्क्रिप्टिंग तैयार की और स्क्रिप्टिंग तैयार करके ये ऑडियो भेजा। मेरे पास ये जैसे ही ये ऑडियो आया तो मैंने अच्छे से सुना, 2 बार 3 बार, एक बार आवाज नहीं पहचान सका, फिर मैंने ऑडियो सुना, तो थोड़ी ही देर बाद एक उनके फोटो के साथ एक पूरा मैसेज आया ऑडियो का, जिसमें बीएल सोनी की फोटो लगी हुई थी, तो हम भी श्योर हो गए कि ये बीएल सोनी स्वयं है, क्योंकि कल भी वो इस तरीके की बात बोल चुके हैं। ठीक है, तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है और इस खबर का ऐश्वर्य जरा आप इसे समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम इसके साथ अन्य एग्जाम्पल्स भी लेंगे। विधानसभा चुनावों के बाद जब हार हुई कांग्रेस की, तब कई तरह की बयानबाजी हुई, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी पोस्ट आई। लोकेश शर्मा का एक बार फिर से जिक्र करेंगे, उन्होंने कहा था कि मैंने भी अवगत कराया था कि इन उम्मीदवारों को मत उतारिए जो जिताऊ कैंडिडेट्स नहीं है। फिर उसके बाद इस तरीके के कई मुद्दे वो धीरे धीरे निकल कर आए। लेकिन जब बीएल सोनी की हम बात कर रहे हैं, अब आपने कहा कि कुछ दिन पहले उनके व्यवहार में भी ऐसा लग रहा था, पेपर लीक का मुद्दा अचानक से नहीं छाया, लंबे टाइम से है, लेकिन इस तरीके का ऑडियो अब निकल कर आना, वजह क्या लगती है? एक चीज तो है, चुनावी माहौल में सहमत के खेल चलते हैं जी। अशोक गहलोत राजनीति के कांग्रेस में एक बड़े खिलाड़ी हैं, सभी जानते हैं अशोक गहलोत की राजनीति किस अंदाज की राजनीति होती है, और बखूबी जानते हैं, और आज की तारीख में देश के बहुत बड़े नेताओं में उनका नाम शामिल है। तो छह मार्च तो राजनीति में चलते हैं, अमूमन कोई ना कोई छोड़कर आता है, इधर कांग्रेस की तरफ राहुल कस्बा भी चले गए, तो बीजेपी में कई बड़े नेता आए, लेकिन पूर्व ब्यूरोक्रेट का आना, तो क्या ये पूर्व ब्यूरोक्रेट बीजेपी में आएंगे? लेकिन बीजेपी में इनके आने की चर्चा थी, नहीं आए।
बीजेपी में भले ही नहीं आए तो पूर्व ब्यूरोक्रेट ने अपनी लेखनी के जरिए अपनी व्यथा को क्यों जाहिर किया, कैसे जाहिर किया, ये बड़ी बात है। लेकिन जब बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। तो इस बात से जी क्योंकि ऐश्वर्य जब कोई दूसरी दल बदल होता है ठीक चुनावों से पहले तो आम प्रक्रिया अब मानी जाने लगी है कि जहां लाभ मिलने वाला होता है वहां पे नेता रुक कर लेते हैं, यानी कि सत्ता में बने रहने के लिए या फिर कोई सियासी फायदा उन्हें मिलता है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये चीज अब समझ से परे है, लेकिन फिर भी मैं आपको आपसे सियासी नजरिए से समझने की कोशिश करना चाहती हूँ, फायदा क्या हो सकता है इससे बीएल सोनी को? देखिए बीएल सोनी, एक चीज और मैं यहाँ कहूंगा कि बीएल सोनी नहीं, मुझे एक दृश्य और याद आता है जी। कि पिछले दिनों एक घटनाक्रम हुआ था, उस घटनाक्रम को भले ही उस वक्त बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया हो, लेकिन जब उस घटनाक्रम की हम बात करेंगे तो आप देखिएगा कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत की सिक्योरिटी के 3 RPS अधिकारी जी। तीनों का तबादला किया गया और तबादला करके उन्हें दूर दराज में भेजा गया। तो उस वक्त कुछ दलील पुलिस महकमे में अंदर खाने जो चीजें चलती हैं उन्हें हमें स्वीकार करना भी पड़ेगा। अंदर खाने चर्चा चली कि गैलेंट्री प्रमोशन लिया, इस तरीके की कई चीजें होती हैं, चलती हैं, वो चीजें चलती रही। लेकिन उनके अलावा जब अचानक से इस बात कोई इस तरीके की चर्चाएं चली तो बीएल सोनी के अलावा कुछ पर्दे के पीछे से इस तरीके की बातें कही जाती रही। कई रिटायर पुलिस अधिकारी होते हैं, उनका थोड़ा बहुत किसी के निष्ठा हो सकती है किसी पार्टी की तरफ, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनकी बातों को सुनना भी पड़ता है। तो जब इस तरीके के पूर्व अधिकारी, अपनी अपनी विचारधारा भी होती है, तो क्या यहाँ पर इतने दिनों से बीएल सोनी की विचारधारा जो कि पिछली गहलोत सरकार में कमिश्नर रहे फिर डीजी एसीबी रहे, तो क्या उनकी विचारधारा है उसके बारे में? अभी मैं स्वयं भी यही सोचता था कि मुख्यमंत्री उस वक्त गहलोत है तो गहलोत को उन पर पूरा विश्वास था, लेकिन उनको जब पूरा विश्वास नहीं था तो फिर अचानक से अब बीएल सोनी का इस तरीके से बयानों को देना क्या साबित कर रहा है? ऐश्वर्य की प्रतीक्षा है बिल्कुल, और साथ में क्योंकि बीएल सोनी ऐसा नाम है जिन्हें कई ऐसे अधिकारी अपना रोल मॉडल भी मानते हैं, तो अगर ब्यूरोक्रेसी पर नजर दौड़ाए तो कितना वहां पर असर अब आने वाले समय में पड़ेगा। दूसरा सवाल ये कि फायदे की हमने बात कर ली, लेकिन वो तो वक्त बताएगा, लेकिन नुकसान जरूर होगा, ये अभी हम प्रेजेंट में जानते हैं, जिसका असर भविष्य में पड़ेगा। चुनौतियां बहुत ज्यादा है लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भी देखें तो, फिर इससे रिलेटेड भी पूरी जानकारी विस्तार से जरा दे दीजिए, कितना मुश्किल रहेगा अभी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए? देखिए यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री के बचाव के लिए कौन कांग्रेस लीडर आता है इस पूरे घटनाक्रम में, या क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री तो क्या पूरी कांग्रेस सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए गए हैं उस वक्त जो कांग्रेस सरकार थी, तो उनके बचाव के लिए कौन नेता आता है? क्या इस बचाव के लिए डोटासरा आएंगे, या फिर इस बचाव के लिए पायलट आएंगे, या फिर जो अक्सर उनके लिए बोला करते थे महेश जोशी वो आएंगे, या कौन आएगा, कौन जवाब देगा, या कोई पूर्व ब्यूरोक्रेट ही इस बात का जवाब देगा? इस बात की बड़ी भारी प्रतीक्षा रहेगी कि जवाब कौन देता है। और ऐश्वर्य इस पर भी नजर रहेगी क्योंकि ये बातचीत भी होगी कि आखिर पहले इस बात को क्यों नहीं बोला गया, और जो इस समय देखा गया ठीक चुनावों से पहले अपनी बात रखने का, इस पर भी चर्चा लाजमी होगी। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए ऐश्वर्य।